सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रेंड्स कैसे अपने फोन पे एक फोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत वीडियो देखे होंगे कि फोन पे में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। दोस्तों आज बहुत आपका साल पुराना का वो वीडियो है, लेकिन दोस्तों दिन ही दिन जो है आप फोन पे अपने जो अपडेट लाता रहता है, तो फ्रेंड्स इसी में बहुत ज़्यादा अपडेट आया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों जरा सा भी आप मिस्टेक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका अकाउंट से पैसा कट सकता है। दोस्तों इस वीडियो पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैंने बताया कि फ्रेंड्स कैसे अपने किसी भी बैंक ऐड कर सकते हैं फोन पे के अंदर। तो गाइस चलिए फ्रेंड्स आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें मैं सारा इस वीडियो में डिटेल बता दूंगा। तो गाइस इससे आप भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस यहां पर ऐसा ही कॉन्टेंट आपको देखने के लिए मिलता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके आपको जो फोन पे अपडेट करना है, ठीक है। तो फोन पे अपडेट करने के बाद दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना, तो चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा बैंक ऐड है या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरा बैंक ऐड नहीं है, यहाँ पर फोन पे का वॉलेट बस ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है ऐड टू बैंक अकाउंट, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सो गाइस आपको जो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको क्या आना है, माई मनी पर आना है। माई मनी पर आने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा बैंक अकाउंट्स, तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऐड टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना, और फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पर बैंक है आप अपना सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, यहाँ पर ICICI पर कुछ ऐसा बैंक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस भी बैंक है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो गाइज चलिए मैं पेटीएम पेमेंट बैंक ये रहा, तो मेरा 18 साल नहीं जाता, तो इस वजह से मैं ये खुलवाया था अपने भैया के नाम से, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर डन आ गया, यानी कि जो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ऐड अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मांगेगा पासवर्ड और एथी मांगेगा, अपने जो ही अपना पासवर्ड मांगेगा, ATM पिन मांगेगा, तो फ्रेंड्स आप डाल देना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी बैंक मेरा आ गया होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पर जो मेरा साइनअप करके यानी कि मेरा पासवर्ड मांगेगा बैंक अकाउंट मतलब बैलेंस कितना चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।